फर्दर जांच करेंगे। और पौड़ी से बड़ी खबर, पालिका अध्यक्ष और वार्ड मेंबर में तकरार हुआ है। अनीता रावत ने डीएमसी की यशपाल बेनाम की शिकायत। अनीता रावत और यशपाल बेनाम फिर उलझे, बंदरों की समस्या पर भिड़े पालिका अध्यक्ष और वार्ड मेंबर। अनीता रावत ने डीएमसी की है यशपाल बेनाम की शिकायत। पालिका अध्यक्ष पर बदसलूकी का आरोप भी है और राजनीति चमकाने के लिए आरोप लगाया गया यशपाल बेनाम की तरफ से कहा गया है। पौड़ी में नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम और वार्ड मेंबर अनीता रावत के बीच में एक बार फिर से तकरार बढ़ गई। और दरअसल वार्ड मेंबर अनीता रावत नागरिक कल्याण मंच के साथ बंदरों की समस्या को लेकर नगर पालिका पहुंची थी, लेकिन यहां पर पालिका अध्यक्ष वार्ड मेंबर के बीच में तीखी नोकझोंक हो गई। अब वार्ड मेंबर अनीता रावत ने जिलाधिकारी से पालिका अध्यक्ष की शिकायत की है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष की माने तो पालिका चुनाव नजदीक है और ऐसे में राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। नई बात नहीं है कि जो इन्होंने आज मेरे साथ अभद्रता की, 5 साल से मैं उनकी इस प्रताड़ना को झेल रही हूँ और आज की डेट में मैंने इनके खिलाफ पहले भी एक कार्रवाई की थी, शिकायत पत्र दिया था एसपी मैडम से लेकर महिला आयोग तक, परंतु इनके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, इसलिए क्योंकि मेरे पास प्रूफ नहीं था। परंतु आज मेरे पास वीडियोज भी हैं और नागरिक कल्याण मंच के वरिष्ठ लोग मेरे साथ थे। मैं 2003 से अध्यक्ष रहा हूं और ऐसे कई पार्षदों ने मुझ पे जो है आरोप लगाते रहे हैं। केवल लोगों को यह है कि इनसे विकास काम नहीं देखे जा रहे हैं, जो मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और मेरे अनुभव के नाते पौड़ी में काम हो रहे हैं, वो मेंबर जो है कभी भी जो है नगर पालिका में बहुत कम आती है। और कल उन्होंने स्वयं इस बात को कहा है कि मैं अध्यक्ष के कमरे में आकर क्या करूंगी। तो ये चुनावी हथकंडा अपनाया जा रहा है। और मेरे सामने आए थे और उन्होंने एक लेटर मुझे दिया है जिसमें उनके द्वारा एक शिकायत की गई। इस संबंध में उन्हें यही मेरी तरफ से सजेस्ट किया गया है कि एसएसपी पौड़ी स्तर पर इस समस्या को महिला थाने या महिला परिवार के उसमें दर्ज करवाते हुए कार्रवाई करने के लिए।